मैं मौलाली से बात कर रही हूँ, सलमा सुल्ताना। मैं सोशल वर्कर हूँ, लेडीज़ की हेल्प करने के लिए निकली हूँ। और मैं जो भी करती हूँ, ड्रिंक जो वगैरह करते हैं, लड़े हाँ झगड़े होते हैं हर घर में, हर उसमें, उसके लिए मैं बीच में जाती हूँ, हेल्प करती हूँ। और जो भी हो रहा है, मेरे साथ एक हादसा हुआ मौलाली में, 2 दिन की बात है, वाकया हुआ मेरे साथ। पप्पू पहलवान बोल के एक नामी शख्स है, जो गोश्त की दुकान पे, मटन शॉप पे मटन ले रही थी मैं। जो मटन लेने के लिए ठहरी थी, तो बाहर आधे घंटे से जेठ को बुला के बोला, नंबर दिया, नंबर दे के बोला, ये नंबर दे, उससे बात करना है बोल के बोले, जमिए चाकू बताए जेठ को, हमारे जेठ को बता के। तो जेठ बोले, फौरन निकलो यहाँ से बोले। फिर मैं निकलने के बाद में मेरे को फॉलो करे, फॉलो करके बोले, हेलो मैडम, कहाँ जा रहे, किधर जा रहे हो? तो मेरे को नंबर नहीं दिया क्या उन्हें बोल के बोले। तो मैंने बोली, क्या आप तुमची है वो है ये बोल के बोले। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, आपके बहुत कैसे सुन रहा हूँ मैं, मालूम हुआ कि आप ऐसे है काम में बोल के बोले। फिर जाने कितने 2 दिन हुआ, दो एक ही दिन हुआ बस, उसके बाद से नहीं कर रहे मेरे को। मौलाली के है जी, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, मेरे हस्बैंड को, मेरे जेठ को मालूम, उनको फॉलो करे, जेठ जेठ कुछ बोले बस, ये नंबर उनको दियो बोल के बात करना है बोल के। जी हाँ जी हाँ, पप्पू पहलवान बोल के है, पप्पू पहलवान, ये मैं जानती थी नहीं, मैं लोकेशन गूगल पे सर्च करी तो मालूम हुआ के पप्पू पहलवान एक रेप करने वाला इंसान है, और पी के खा के चोरी करने वाला रॉडी शेटर है। वो मेरे को खाली इतना ही बोले, मैं पप्पू पहलवान हूँ, मैं देख क्या कर लेता हूँ तेरे साथ बोल के, ये बोल के चले गए। फिर उसके दो तीन बार टॉर्चर हुआ, उसके बाद में बोल के फॉलो भी करे, मैं नज़रअंदाज कर दी, मुझे मालूम नहीं था ये आदमी मेरे पीछे था सो, मगर रॉडी शेटर बोल के नाम बोले उन्होंने, कि मेरे को बस इंसाफ चाहिए। कंप्लेंट कराए मेरे हस्बैंड को जाके बोली, मैं बोली तो उन्होंने बोले चलो जाएंगे, हस्बैंड और जेठ तीनों जाके कंप्लेंट दिए, तो उन्होंने बोले मलकाजगिरी PS में हो जाता, जा काम जाइए आप, सुबह 11 बजे बुलाते बोल के बोले, मॉर्निंग नहीं बुलाए, जेल में डाल दिए बोल के बोले, तो आपको कंप्लेन एफआईआर कॉपी कुछ भी नहीं दिए, सिर्फ एक पेपर टैप करके दे दिए, ठीक है जाइए आप, जो भी होता हम कर लेते बोल के भिजा दिए। हम लोग PS को गए थे, एक पेपर दिए, पेपर दे बोले, खाली पेपर देके टैपिंग करके भिजा दिए। क्या बोले पुलिस वाले के बाद आपको? पुलिस वाले बोले कि हम देख लेते, जाइए आप कल आके, हम कल फोन करते, आप 11 बजे फोन करे तो आना बोल के बोले। नहीं नहीं करे, 4 बजे हम ही गए, अभी तक फोन नहीं आया, क्या हुआ बोले। तो 4 बजे गए, क्या हुआ मैडम, कुछ भी केस का वो नहीं हुआ क्या बोले। तो उन्होंने बोले नहीं, जेल में डाल दिए, जेल डाल दिया हम, क्या बोलते, पेपर आया तो हम खुद कॉल करके बुलाते बोल के बोले। जो शख्स है पप्पू पहलवान बोलते, सो इनकी फोटो है, इनका नाम है। हाँ मालूम करे, बहुत तकरीबन बहुत केसेस है, रेप के केसेस है, मर्डर के केसेस है, तकरीबन चोर के केसेस है। मेरी जान को धोखा है, मेरे से रिक्वेस्ट है कि ACP DCP और कमिश्नर से वो करना है, रिक्वेस्ट करना है कि मेरी लेडीज़ को, आवाम को बहुत हेल्प चाहिए, क्यों मैं बिजनेस करती हूँ और वो भी करती हूँ, मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मैं उसमें खुली जीने की आज़ादी नहीं है मौलाली में, आम आवाम बहुत लेडीज जॉब करते हैं, स्कूल्स के टीचर्स है तकरीबन, और जॉब बिजनेस करते, और आवाम के लिए बहुत गुजारिश है कि लेडीज़ के लिए सेफ्टी चाहिए, और तकरीबन लेडीज़ को सेफ्टी दिया चाहिए, और मौलाली में लेडीज़ की सेफ्टी नहीं है। मलकाजगिरी PS से मैं गुजारिश करती हूँ कि SI कमिश्नर से बात करना, वो करना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। पप्पू पहलवान बहुत क्रिमिनल इंसान है, कि उसके लिए सेफ्टी करना बहुत ज़रूरी है लेडीज़ को। मैं से गुजारिश है कि मैं ये काम के लिए मुकाम उठाई हूँ, आवाज़ उठा रही हूँ मौलाली के आवाम के लिए,
जो भी हूँ मैं उसका करना चाहती हूँ कि मेरी आवाम से गुजारिश है कि लेडीज़ के लिए गुजारिश कर रही हूँ, सेफ्टी करना है। और मैं गुजारिश करने के लिए बस कुछ भी नहीं चाह रही हूँ, ये चाह रही हूँ कि सेफ्टी हो जाना और मौला अली को सेफ करो और मौला अली के आवाम को सेफ करो। और बच्चे और बूढ़े ज़ईफ लोग हैं, जो बच्चियां हैं स्कूल कॉलेज जाने के लिए डर रहे हैं पप्पू पहलवान से, कभी कुछ हो जाएगा हमारे को। बस ये गुजारिश है कि मेरी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद अमजद है। मैं हैदराबाद, मैं मौला अली भरत नगर का रहने वाला हूँ। ये मेरे अहलिया है जो एक सोशल वर्कर है, जो अच्छे काम के लिए, जो है बिल्कुल जो है हर किसी की मदद के लिए जो है सामने आते हैं। एक इनके साथ जो है हाल ही में एक हादसा हो गया। पप्पू नामकारी का पहलवान जो है इनको फॉलो करा, फॉलो करके जो है नंबर देने की कोशिश करा, मेरे भाई के हाथ में नंबर दिया। इनको ये बोला कि भाई वो जो लेडीज़ है वो लेडीज़ को जो है आप नंबर पहुँचाओ, और अगर नहीं पहुंचाएंगे तो मैं जो है आपको जो है चाकू वगैरह जो है बताया करा, धमकाया करा, डराया कि अगर आप नंबर अगर नहीं पहुंचाएंगे तो मैं आपको देख लूंगा, आपको मैं कुछ भी कर दूंगा। फॉलो करके मेरी अहलिया को जो है बीच रास्ते में रोका, रोक करके जो है उनको भी डराया धमकाया, इसको नंबर दिया। अब मैं मौला जी के आवाम से ये पूछना चाह रहा हूँ, आपसे अदबन गुजारिश है, अगर ऐसे रोडी शेटर्स जो है हर कोई लेडीज को अगर ऐसे रास्ते में अगर रोकने की कोशिश करते जाएंगे, ये हमारे सोशल वर्कर थे जो आज सेफ हो गए। मैं मौला जी के आवाम से पूछना चाह रहा हूँ कि आपके लेडीज सेफ है? आप आवाज़ उठाइए इन लोगों के खिलाफ। ये रोडी शेडर अगर ऐसे ही अगर चलते रहेंगे तो हमारे जो खवातीन है, घर के खवातीन, वो स्कूल जाना, कॉलेज जाना या फिर जॉब करना, क्या ये सब छोड़ देना पड़ेगा? क्या वो घर के अंदर ही जो है कैद हो जाएंगे इन चंद रोडी रोडी शेटर्स की वजह से? बस मेरी गुजारिश यही है, एक लेडीज जो अपने घर में भी होती है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, शायद उनके भी घर में होगी, उनको इतने सेंस तो होना चाहिए, उनको इतनी अकल तो होना चाहिए कि भाई मैं एक लेडीज से बात कर रहा हूँ, लेडीज को जो है रेस्पेक्ट देना है। लेडीज जो अपने घर में भी है, माँ बहन है, हर किसी की माँ बहन है, उनको रेस्पेक्ट देना हर किसी आदमी का काम है, लेकिन इनको शायद ये सोच और समझ नहीं है, इनको समझाना पड़ेगा। तो मेरी जो है अदबन गुजारिश है, हम लोग मलकाजगिरी PS गए, हम लोग कंप्लेंट किए तो वहाँ से जो है कंप्लेंट जो है हमारी ले ली गई है, लेकिन हमको अभी तक पता नहीं चला कि हमारी कंप्लेंट पूरी हुई या नहीं हुई। हम लोग तो हमको जो है बताया कि भाई हमारे जो पप्पू साहब है, पप्पू पहलवान जो है, उनको जो है जेल भेज दिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। बस हमको इंसाफ चाहिए। हम साहब, ACP साहब, कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश यही है कि हमारी लेडीज को सेफ करिए, हमको इंसाफ चाहिए। अली की लेडीज को सेफ करिए, ये आपका काम है, हम आपसे अदबन गुजारिश कर रहे हैं। हमारी लेडीज सेफ सेफ चाहिए हमको। हमारे घर में जो है अभी भी दहशत का माहौल है, हमारे लेडीज जो है घर से बाहर निकलने के लिए सोच रहे हैं, डर रहे हैं, हमारे घर में डर का माहौल है। हम पप्पू के खिलाफ जो है कंप्लेंट किया है, कब क्या करता क्या है हमको पता नहीं है। हमारे लेडीज को जो है इंसाफ चाहिए। हमारे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, घर में जो है डर का माहौल है। के आवाम से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए, आप लोग मेरा साथ दीजिए। ये मेरे घर का मैटर नहीं है, मेरे घर का मसला नहीं है, ये सारी पूरी मौला अली की लेडीज़ का मसला है। हमारे जो अहलिया है, ये एक सोशल वर्कर है, इनका काम एक अच्छे के लिए होता है, कोई बुरे में काम नहीं आते, ये हर किसी के जो है अच्छा ही करते हैं। यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही अच्छा अमन अमन और सुकून शांति का माहौल है। ये चंद गुंडे जो है, पप्पू जैसे चंद गुंडे जो है माहौल ख़राब कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। और ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर जो है बाहर रह रहे हैं, अच्छा माहौल हो रहा है, घर खरीद रहे हैं, किराए से रह रहे हैं। अब ऐसे चंद गुंडों की वजह से, चंद रोडी शेटर की वजह से अपने अपने घर क्या खाली करके चले जाएंगे, क्या घर बेच करके चले जाएंगे? ये माहौल मेरी मौला जी के आवाम से दर्दनाक अपील है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी अहलिया को सपोर्ट कीजिए। मेरी जान को धोखा है, मेरी अहलिया को धोखा है, मेरे भाई को धोखा है, आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरी अहलिया का सपोर्ट कीजिए।
पुलिस अहदेदारों से भी मेरी अदबन गुजारिश है सर, एक्शन लीजिए, पीडीआई लगाइए, इसको जो है सजा दिलाने की कोशिश कीजिए। मलकाजगिरी पीएफ।